गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माय नेम इज़ श्वेता और अब आपका क्लासेस मैं लूँगी, ठीक है। आई विल टेक योर क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके। आई विल टेक योर ईवीएस क्लास, मैथ्स क्लास एंड इंग्लिश क्लास, एंड देर इज़ अनदर मैम, रिंकी मैम, शी विल टेक योर हिंदी क्लास, ओके चिल्ड्रेन। होप यू विल इन्जॉय। एंड जैसे अंजना मैम पहले आपका क्लास लेती थी, हम लोग कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक योर क्लास एज इंटरेस्टिंग एज अंजना मैम डेड। जैसे अंजना मैम ने किया था आपके लिए क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे से, वैसे ही हम भी कोशिश करेंगे। होप यू विल फाइंड अस इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉय आवर क्लासेस, ओके चिल्ड्रन। ठीक है, इसके साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब हम कुछ करते हैं, क्यों ना हम उसको एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करें। सो आज हम लोग एक थॉट के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। बिकॉज इफ़ यू हैव गुड थॉट्स, दे विल शाइन आउट ऑफ योर फेस लाइक सन बीम्स एंड यू विल ऑलवेज लुक लवली। आप गुड थॉट के साथ कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा और आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। सो कीप गुड थॉट्स ऑलवेज विद यू, हमेशा अपने साथ गुड थॉट्स रखिए। यस चिल्ड्रन, सो टुडेज थॉट इज बिलीव यू कैन एंड यू विल। आई एम रिपीटिंग माय थॉट, बिलीव यू कैन एंड यू विल, ओके चिल्ड्रेन। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, कुछ भी हार्ड लगे आप यही सोचिए, कुछ भी टफ लगे आप यही सोचिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ, और देखना आप बहुत ईजिली उसको कर पाएंगे, है ना। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ क्या ज़रूरत होती है, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। यस ना, सो बिलीव यू कैन एंड यू विल। आप देखेंगे कि आपने सब कुछ कर दिखाया, सब कुछ आसान होता है ना बेटा, ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर, द लेसन, ओके। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो चैप्टर नंबर 5 इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, लेट्स बिगिन। We'll start chapter number 5, the big bell. Okay, what is the meaning of big? B-I-G, big, big means bada, okay? And bell, B-E-L-L, bell, bell produces sound, that is ghanti. आप सबने देखा होगा घंटी कभी ना कभी, yes, आप serials देखते हैं, cartoon देखते हैं, या आपके घर में होगा bell, okay? Now, Jack has a ball. आप picture में देखिए बेटा, there is a boy, okay, whose name is Jack, okay. What is the spelling of Jack? J-A-C-K, Jack, okay. And C is in his hand, there is a colorful ball, B-A-L-L. What is the spelling of ball, children? B-A-L-L, ball. Do you have ball? Have you ever played with ball? Yes, na? Aap school mein bhi khelte hain, aapke ghar mein bhi ball hoga, aapne ball dekha hoga. So, what is the spelling of ball? B-A-L-L. And the ball is in whose hand? Jack's hand. J-A-C-K, Jack. जो लड़का है उसका क्या नाम है? Jack. Okay. Now, see the girl, little sweet girl, Jill. Her name is Jill. J-I-L-L, Jill. Okay. And she has a doll in her hand. आप देखिए ध्यान से, see in her hand, there is a beautiful and pretty doll. What is the spelling of doll? D-O-L-L, doll. And what is the spelling of ball? B-A-L-L, ball. They are rhyming words. Ball, doll. सुनने में एक जैसा है ना? So, they are called rhyming words. Now, Jill is small. Who is Jill? The girl is Jill. J-I-L-L, Jill, and she is small. Small means chota. So, Jill is a small girl. What is the spelling of small? S-M-A-L-L, small. Okay? And Jack is tall.
Who is Jack? The boy. J-A-C-K, Jack. Okay? And Jack is tall. T-A-L-L, tall. What is the opposite of tall? Tall. The opposite of tall is small. S-M-A-L-L, small. And the spelling of tall is T-A-L-L, tall. They are also rhyming. Tall and small. Rhyming words, isn't it? Now, Jack calls Jill. Who calls Jill? Jack. And Jack is the boy. Okay? He calls Jill. Now, I explain it in Hindi also. ठीक है? जैक आप देख सकते हैं बेटा पिक्चर में जो लड़का है उसका नाम है जैक. जैक की स्पेलिंग क्या है? जे ए सी के जैक. ठीक है. और उसके हाथ में क्या है? एक बॉल है. आप भी बॉल से खेलते हैं ना. सो यू नो बॉल. व्हाट इज़ बॉल? आप जानते हैं बॉल क्या होता है. बॉल की स्पेलिंग क्या है? बी ए डबल एल, बॉल. और एक छोटी सी लड़की भी है पिक्चर में जिसका नाम है जिल. जिल की स्पेलिंग क्या है? जे आई डबल एल, जिल. और जिल के पास क्या है? एक प्यारी सी डॉल. डी ओ डबल एल, डॉल. डॉल मीन्स क्या होती है? गुड़िया है ना. जिल के हाथ में देख रहे हैं ना आप, एक गुड़िया है. ठीक है. जिल कैसी है? स्मॉल है, छोटी है. स्मॉल का मतलब छोटी है ना. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, जैक से छोटी दिख रही है ना आपको. सो जिल जो है वो स्मॉल है, छोटी है. और जैक कैसा है? जैक टॉल है. टॉल मीन्स लंबा. जैक लंबा है ना, देखिए. और जैक किसको बुला रहा है? जिल को बुला रहा है. जिल कौन है? जो लड़की है उसका नाम है जिल. ओके, दैट इज अ मिल. नीचे के पिक्चर में देखो बेटा, देयर इज अ मिल. जहाँ से धुआं निकल रहा है. मिल क्या होता है? जहाँ सामान प्रोड्यूस किया जाता है. प्रोड्यूस करने का क्या मतलब होता है? जहाँ कुछ सामान बनाया जाता है, जैसे आपके खिलौने, आपके कपड़े, ये सब कहाँ बनते हैं? मिलों में बनते हैं. ठीक है. तो आप देख रहे हैं ना, एक चिमनी है जहाँ से धुआं निकल रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड मिल. ओके, वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ मिल? एम आई डबल एल, मिल. This is a well. Have you ever gone to a village? Okay, आप जब कहीं अगर village में गए होंगे तो you definitely saw a well. Well क्या होता है? कुआं. What is the spelling of well? W E double L, well. और इसमें क्या होता है? कुएं में पानी होता है. There is water under well. Okay. The well is full of water. Yes. कुएं में पूरा पानी भरा हुआ है. The well is full of water. The well has a wall. देखिए चारों तरफ से दीवार बनी हुई है ना well के. Okay. There is a bell on the wall. Wall के ऊपर एक bell है, घंटी. You can see again. There is a bell again. Okay. There is a bell on the wall. Jill pulls the bell. Pull means क्या होता है? Pull means खींचना. Okay. Jill, the girl. Okay. The little girl, the small girl. Jill pulls the bell. Jill क्या खींच रही है? Bell को, घंटी को खींच रही है. Okay. So, again I'm explaining it in Hindi. जो मिल है आप पिक्चर में देख रहे हैं, जहाँ फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, जो वहाँ पे सामान बनता है, उसको क्या कहते हैं? मिल. और मिल की स्पेलिंग क्या होती है? एम आई डबल एल, मिल. और फिर और एक पिक्चर देखिए वेल का. डब्ल्यू ई डबल एल, वेल. वेल मीन्स क्या होता है? कुआं. ठीक है. आप कभी गांव गए होंगे अपनी दादी के यहाँ या अपनी नानी के यहाँ, तो वहाँ आपने कुआं देखा होगा. ओके, कुआं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल. और वेल में क्या होता है? पानी होता है. इस वेल में भी पानी है. ठीक है. ये वेल जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है. और वेल के चारों तरफ दीवार बनी हुई है, वॉल. देखो डिफरेंस देखो. डब्ल्यू ई डबल एल, वेल. वेल मीन्स कुआं. और डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल. वॉल मीन्स दीवार है ना. सो देयर इज अ वेल ऑन द वॉल. इस वॉल के अंदर क्या है? इस वॉल पे क्या है? एक बेल है. बी ई डबल एल, बेल. बेल घंटी. ओके,
और डब्ल्यू ई डबल एल वेल मीन्स कुआं. जिल पुल्स द बेल. जिल क्या कर रही है, क्या खींच रही है, घंटी, बेल को खींच रही है. ठीक है. नाउ ओ द बेल, बेल लेके जिल जो है वो गिर गई. एंड बेल की आवाज कैसी आ रही है, डिंग डोंग, डी आई एन जी डिंग, डी ओ एन जी डोंग. ओके. जिल फॉल्स डाउन द हिल, और जिल जो है वो हिल से नीचे गिर रही है. हिल क्या होता है, पहाड़, एच आई डबल एल हिल. और फॉल मीन्स गिरना, फॉलिंग डाउन मीन्स नीचे गिरना. जिल नीचे की तरफ गिर रही है हिल से. हेल्प, जे आई डबल एल जिल, दैट गर्ल येल्स हेल्प हेल्प. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्प, मदद मदद है ना. तो जिल जो है वो क्या चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प. जैक रन्स डाउन द हिल, जैक दौड़ के हिल के नीचे आया. ओके. जैक गिव्स अ पिल टू जिल, डिंग डोंग सेज द बेल. जैक गिव्स अ पिल, पिल मीन्स दवाई. ओके. पी आई डबल एल पिल. और किसको दिया जैक ने, गिवन टू जिल, जे आई डबल एल जिल, दैट स्मॉल गर्ल. ओके. डिंग डोंग सेज द बेल. व्हाट द बेल सेड, डिंग डोंग. कैसी आवाज आई घंटी से, डिंग डोंग. ओके चिल्ड्रन, देखिए जब जिल जो है वो हेल्प के लिए चिल्लाई, मदद करो मदद करो, जैक रन्स डाउन द हिल, जैक जो है वो दौड़ता हुआ हिल के नीचे आया और उसने जिल की हेल्प की, उसे उठाया और उसको एक पिल दिया, पी आई डबल एल पिल. पिल मीन्स गोली. ओके. और डिंग डोंग की आवाज़ आई बेल से. ओके. द चैप्टर इज ओवर चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन आई एम गिविंग यू होमवर्क. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लिसन, देयर इज सम स्पेलिंग यू कैन सी. ओके. यू हैव टू राइट द स्पेलिंग्स इन द कॉपी एंड यू हैव टू लर्न इट. मैं हिंदी में एक बार बता देती हूँ बच्चों, आपको क्या करना है, आप ये स्पेलिंग्स देख रहे हैं, आपको सबको लिखना है कॉपी के ऊपर. ठीक है. 1 2 3 4 5 6, आपको ये ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा. आप सीधा इन स्पेलिंग्स को लिखेंगे और आप लर्न करेंगे. ठीक है. आपके पास एक दिन का टाइम होगा. ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब आएगा उस दिन आपसे मैं पूछूंगी कि आपने क्या स्पेलिंग लर्न किया है. सो आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करना है. क्या क्या स्पेलिंग है बेटा, नंबर 1 इज बेल, नंबर 2 इज बॉल, नंबर 3 डॉल, नंबर 4 स्मॉल, नंबर 5 टॉल, एंड नंबर 6 इज मिल. सो लर्न इट. ओके चिल्ड्रन, दिस इज बेल, ये घंटी है, आपको लर्न करना है बी ई डबल एल बेल. ठीक है. दिस इज अ बॉल, बी ए डबल एल बॉल, सी द बॉल, इट इज ब्यूटिफुल एंड कलरफुल. ओके. नाउ दिस इज अ डॉल, डी ओ डबल एल डॉल, ये क्या है, ये गुड़िया है. ठीक है. नाउ दिस इज स्मॉल. ओके. स्मॉल कौन थी, याद है, जिल. जिल वॉज स्मॉल गर्ल विद अ डॉल. ओके. दिस इज स्मॉल. एंड नाउ जैक वॉज टॉल ना, सो ही इज टॉल. सी टी ए डबल एल टॉल, यू हैव टू लर्न टॉल. एंड दिस इज मिल, एम आई डबल एल मिल. लर्न इट चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी स्टडीड डबल एल साउंड वर्ड्स. यस, इस चैप्टर में हमने डबल एल साउंड वर्ड्स पढ़ा, लाइक बेल, स्टिल, विल, डॉल, बुल. जैसे कि बेल, स्टिल, विल, डॉल, बुल, इस तरीके से. ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ भी पूछना है चिल्ड्रन, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप. ओके. व्हाट्सएप पे यू आस्क योर क्वेरीज, आई विल रिप्लाई, आई विल आंसर. ओके चिल्ड्रन,
और अगर आपको नहीं समझ में आया, यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है बेटा, सो आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट पीरियड, ओके इन नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अगले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगी, ठीक है। लेकिन इस उसके बाद हम लोग थोड़े से वर्कशीट्स पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी डबल एल साउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, ओके वी विल प्रैक्टिस। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने शार्प हो जाएंगे और उतने परफेक्ट हो जाएंगे। सो हम लोग थोड़ा सा वर्कशीट्स भी बनाएंगे फिर डबल एल साउंड वर्ड्स का फॉर प्रैक्टिस, ओके चिल्ड्रेन। सो थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए ओके इतना काफ़ी है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।